हेलो एवरीवन, मैं देवेश देवांगन आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। आज से हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस पार्ट से हम लोग देखेंगे कि नंबर सिस्टम में कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उसको कैसे सॉल्व करना है। नंबर सिस्टम में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो देखेंगे कि नंबर सिस्टम में क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, नंबर्स को पहचानने के बारे में जानना है अपने को, क्या क्या किस किस प्रकार के नंबर होते हैं और उससे कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। ज्यादातर इसमें कूट वाले क्वेश्चन आते हैं, आपको दिया रहेगा स्टेटमेंट राइट और रॉन्ग सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि चार पांच स्टेटमेंट दिया रहेगा जिसमें से कौन सा स्टेटमेंट राइट है कौन सा रॉन्ग है आपको बताना होगा। एक दो सही, एक दो तीन सही, ऐसे प्रश्न ज्यादा आते हैं इसमें से, तो उन प्रश्नों को देखेंगे। उससे पहले हमको यह समझना पड़ेगा कि कौन कौन से प्रकार के नंबर्स होते हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो मैं यहाँ बोर्ड में लिख लेता हूँ पहले कि कौन कौन से प्रकार के नंबर हैं, फिर मैं आपको उसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखेंगे बोर्ड में मेरे पास लिखा हुआ है, इन नंबर्स के बारे में जानकारी तो सभी को है, थोड़ी 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 जानकारी सभी को रहती है, लेकिन इनमें से क्वेश्चन कैसे आते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसमें से कैसे क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहली संख्या होती है प्राकृत संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर्स, या इसी को प्राकृतिक संख्याएं भी कहते हैं, दोनों सेम है, उस पर कंफ्यूज नहीं होना है। ये स्टार्ट होता है 1 से, 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते वो इनफाइनाइट तक जाएगा। क्या संख्याएं होती है ये? प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। दूसरी होती है पूर्ण संख्याएं। क्या होती है? पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स, इसमें जीरो से स्टार्ट करेंगे इसको, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, पूरा कहां तक जाएगा ये? इनफाइनाइट तक जाएगा। तो यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि प्राकृत संख्याएं और पूर्ण संख्याएं में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो सिर्फ प्राकृत संख्या में जीरो इंक्लूड नहीं है, पूर्ण संख्या में जीरो इंक्लूड है, बस इतना ही। क्वेश्चन क्या देता है कि क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होंगी। मैं जो भी टेक्स्ट बोल रहा हूं वो यहां पे डिस्प्ले हो जाएगा, तो आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं, वो आपके काम आएगा। क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होंगी? तो हाँ, सभी प्राकृत संख्याएं क्या होगी? पूर्ण संख्याएं होंगी। सभी के सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होंगी। अब उल्टा बोलेगा, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होंगी? क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होंगी? तो क्या हो जाएगा? वो गलत हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट क्या बताया? ईच नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ईच नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, देन इट इज राइट। ईच नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, बट इट्स वाइस वर्सा इट्स नॉट करेक्ट। बट इट्स वाइस वर्सा इज नॉट करेक्ट। वाइस वर्सा मीन्स ईच होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। नो, क्योंकि इसमें जीरो एक्स्ट्रा आ रहा है, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है? जीरो एक्स्ट्रा आ रहा है। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं तो हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं है। इसको नोट डाउन कर लेंगे, बहुत ही कंफ्यूजिंग सेगमेंट है ये, इसमें गलती होती है। अभी एक और स्टेटमेंट देते हैं, क्या कुछ पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं हो सकती है? क्या कुछ पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं हो सकती है? तो हाँ, कुछ पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं हो सकती है, क्योंकि जीरो को छोड़ दें तो बाकी इसको कुछ में ले सकते हैं, वो क्या है? प्राकृत संख्याएं हैं। इसमें से ऐसा टाइप का, ऐसे टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। दिखने में तो आसान है, लेकिन जब एग्जाम में वो सामने में रहेगा तो आंसर लेने में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। अभी देखते हैं आगे, सम संख्याएं। सम संख्याएं इंग्लिश में बोलते हैं इसको इवन नंबर्स। सम संख्याएं इवन नंबर्स, ऐसी संख्याएं जो दो से विभाजित होती है उसको क्या बोलते हैं? सम संख्याएं होती है। तो नंबर विच आर डिविजिबल बाय टू, जो संख्या दो से विभाजित होती है, पूरी पूरी विभाजित होती है, क्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है। जैसे कि 16 है, इसको दो से हम लोग भाग देंगे तो पूरा का पूरा जाएगा ये 8 टाइम्स, तो ये 16 क्या हो जाएगा? एक इवन नंबर हो जाएगा। आसान है। तो देखा जाए तो 2, 4, 6, 8 ऐसा करते करते आगे तक चलेंगे, देख पूरा का पूरा क्या है? इवन नंबर है। इवन नंबर के बारे में एक कंफ्यूजन है कि क्या 0 एक इवन नंबर है? यहां मैं लिखता हूं 0, तो क्या ये इवन नंबर है? क्योंकि स्टार्ट तो यहीं से होता है, जीरो से, तो क्या जीरो इवन नंबर है? तो ध्यान देना है, जीरो हाँ एक इवन नंबर है। जीरो क्या है? इवन नंबर है। इवन नंबर का डेफिनेशन क्या है? द नंबर विच इज डिविजिबल बाई टू, द नंबर विच इज डिविजिबल बाई टू। तो जीरो बाई टू इज इक्वल टू जीरो, जीरो बाई टू इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ये डिविजिबल है, डिफाइंड है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये इवन नंबर हो जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा? ये इवन नंबर, इसको याद रखना है। तो पहली सम संख्या कौन सी हो जाएगी? जीरो। पहली सम संख्या जीरो, ठीक है।
पूर्ण संख्याओं में पहली सम संख्या 0, प्राकृत संख्याओं में पहली सम संख्या 2, ठीक है। 0 पहली पूर्ण सम संख्या है, पहली पूर्ण सम संख्या है 0, पहली प्राकृत सम संख्या 2 है, पहली प्राकृत सम संख्या 2 है, ये सबको याद रखना है कूट में, ठीक है। और आगे देखते हैं, और वे संख्याएं जो 2 से डिवाइड नहीं होती है वो क्या कहलाएगी, विषम संख्याएं कहलाएगी, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9 and so on, जो 2 से भाग नहीं जाती है वो क्या कहलाएगी, विषम संख्या कहलाएगी, ठीक है। इससे 2 क्वेश्चन बनता है, सम संख्या से विषम संख्या से 2 क्वेश्चन बनता है। देखो क्वेश्चन क्या देता है, क्या 2 सम संख्याओं का योग एक सम संख्या होगा, क्या 2 सम संख्याओं का योग एक सम संख्या होगा, या फिर 2 सम संख्याओं का योग क्या होगा, एक सम संख्या होगा या विषम संख्या होगा। तो कोई भी सा 2 आप सम संख्या मल्टीप्लाई करके देखो तो आपको क्या मिलेगा, फिर से इवन नंबर मिलेगा। तो हाँ, 2 सम संख्याओं का योग एक इवन नंबर या सम संख्या ही होती है। उसी प्रकार से 2 सम संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन क्या होगा। तो 2 सम संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो भी अपने को क्या मिलेगा, सम संख्या इवन नंबर ही मिलेगी, ठीक है। क्वेश्चन आता है यहां से, विषम संख्या से, 2 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, 2 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। ऑप्शन में सम विषम निर्धारित नहीं किया जा सकता, ऐसा करके ऑप्शन में हो सकता है 2 विषम संख्याओं का योग। तो आप कोई भी 2 विषम संख्याओं को लिखकर देख लो, 5 और 3 को देख लेते हैं, 3 + 5, ये क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। तो 2 विषम संख्याओं का योग हमेशा क्या होगा, एक सम संख्या, 2 विषम संख्याओं का योग हमेशा क्या होगा, एक सम संख्या होगा, योग एडिशन, ठीक है, क्लियर है। अभी इसमें एक और है, 2 विषम संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, 2 विषम संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। कोई भी सा 2 ले लेते हैं हम लोग, इसको ले लेते हैं, इसको 5 × 7, ये आ रहा 35, कितना आ रहा है 35, 5 × 3 कितना आ रहा है 15। तो 2 विषम संख्याओं का गुणनफल, 2 विषम संख्याओं का गुणनफल हमेशा एक विषम संख्या ही होगी, हमेशा क्या होगी, एक विषम संख्या ही होगी। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग सेक्टर है, लेकिन जो भी यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा उसको आप नोट डाउन कर लीजिए, या मेरी वेबसाइट mathd.in पे पूरा का पूरा लिखा हुआ आपको मिलेगा, कॉन्सेप्ट के साथ में पूरा का पूरा लिखा हुआ मिल जाएगा, आप वहां से उसको कॉपी कर सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन इस सेगमेंट को छोड़ना नहीं है, इस सेगमेंट से बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं और सभी से वो बनना चाहिए। और इसमें देखते हैं अभाज्य संख्या क्या होती है, आगे देखते हैं अभाज्य संख्याएं, या इसको क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग सेगमेंट है, फिर से इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा प्राइम नंबर है, कौन सा नहीं है, और उसको कैसे लेना है, स्टार्टिंग कहां से करना है। तो आज पूरा का पूरा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, आप उसको समझने का प्रयास करें। देखो, प्राइम नंबर्स वे संख्याएं होती है जो स्वयं, मतलब खुद, इटसेल्फ, स्वयं और एक, स्वयं और एक को छोड़कर किसी और से भाग नहीं जाती, स्वयं और एक को छोड़कर किसी और से भाग नहीं जाती को क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर्स। स्वयं और एक को छोड़कर, स्वयं और एक को छोड़कर, इसी को दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि सिर्फ 2 संख्या से भाग जा रही है, किससे भाग जा रही है, सिर्फ 2 संख्या से, किससे, किससे, स्वयं से और एक से, 2 से नहीं, 2 संख्या से भाग जा रही है, स्वयं से और एक से, या सिर्फ 2 संख्या से भाग जा रही है, उसको क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखते हैं अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं। देखो 3 एक क्या है, अभाज्य संख्या है, क्यों, क्योंकि ये किससे किससे भाग जाएगा, 3 से जाएगा और 1 से जाएगा, और किसी से नहीं जाएगा भाग, ठीक है। 5 ये भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि ये किससे भाग जा रहा है, 1 से जा रहा है और 5 से जा रहा है। वैसे ही 7, वैसे ही 11, वैसे ही 13, ठीक है। लेकिन 3 के पहले आता है 2। 2 के बारे में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि 2 एक सम संख्या है, तो दिखता है कि नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा करके मान लेते हैं। लेकिन देखो 2 किससे भाग जाएगा, 1 से भाग जा रहा है और स्वयं से भाग जा रहा है, और किसी से भाग नहीं जा रहा है। तो यह भी एक क्या होगी, अभाज्य संख्या। 2 इज अ प्राइम नंबर, 2 इज अ प्राइम नंबर, 2 एक अभाज्य संख्या है, ध्यान देंगे 2 एक क्या है, अभाज्य संख्या है,
और ये सबसे पहली अभाज्य संख्या है। सबसे पहली अभाज्य संख्या क्या है? दो है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? दो है। ध्यान देना है इस चीज को, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं इसको अलग से हाईलाइट करके रखा हुआ हूँ। तो 2, 3, 5, 7, 11, फिर 10, 17, 19 ये सारे का सारा क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। और इसके अलावा जो बच जाएगा वो क्या कहलाएगा? भाज्य संख्या, डिविजिबल नंबर्स, उससे कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन यहां से आता है आपका प्राइम नंबर से। ठीक है, अब आता है प्रश्न कि क्या एक अभाज्य है कि भाज्य है। ये प्रश्न में बहुत बार आया है एक के बारे में, एक अभाज्य संख्या है कि भाज्य संख्या है, आपको जानना है। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि जो सिर्फ दो संख्या से भाग जाए, जो सिर्फ दो संख्या से भाग जाए वो क्या है? अभाज्य संख्या है। तो क्या ये दो संख्या से भाग जा रहा है? देखते हैं, एक से जा रहा है और स्वयं भी वही है, तो दो संख्या से भाग नहीं जा रहा है। दो संख्या से भाग नहीं जा रहा है, इसलिए ये क्या हो गया? अभाज्य नहीं है। ये क्या है? अभाज्य नहीं है। एक क्या है? अभाज्य नहीं है। तो क्या ये भाज्य है? तो क्या ये भाज्य संख्या है, डिविजिबल नंबर है? देखते हैं, किसी और से भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। तो ये भाज्य भी नहीं है, अभाज्य नहीं है और भाज्य भी नहीं है। कौन? एक। इसलिए गणितज्ञों ने इसको एक स्पेशल कैटेगरी में रखा है, वन इज अ स्पेशियल नंबर। वन इज अ स्पेशियल नंबर, ध्यान देना इस चीज को। एक, एक जो है, एक क्या है? विशिष्ट संख्या है। कैसी संख्या है? विशिष्ट संख्या है। इस चीज को ध्यान देना है, न भाज्य नहीं अभाज्य, न भाज्य नहीं अभाज्य। एक क्या है? विशिष्ट संख्या, वन इज अ स्पेशियल नंबर। इस चीज को ध्यान देना है। और कभी कभी ये प्रश्न इंटरव्यू में भी पूछा गया है कि एक भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है, और यदि नहीं है तो उसका क्या है, रीजन क्या है? तो यही है उसका रीजन। अभाज्य होने के लिए शर्त यह है कि दो संख्या से भाग जानी चाहिए, स्वयं और एक से नहीं जाती। भाज्य होने के लिए शर्त यह है कि स्वयं और एक को छोड़कर किसी और से भी भाग जाना चाहिए, वो भी नहीं है। इसलिए इसको क्या कर दिया गया है? स्पेशल नंबर की कैटेगरी में रखा गया है। अब जब भी आप किसी से वाद विवाद करें या किसी से ऐसे प्रश्न में सामना होता है तो आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है अभाज्य संख्या वाला, इसको समझना है और प्रश्न बनाने का प्रयास करना है। इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन कराऊंगा थोड़ी देर बाद, आपको समझ में आ जाएगी क्वेश्चन कैसे करना है। तो अब अभाज्य संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन करके देखते हैं। मेरे पास प्रश्न है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, विच इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो मैं थोड़ी देर पहले ही बताया हूं कि दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी, थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया हूं कि वो कैसे होता है। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, 50 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 50 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो एक तरीका है कि हम लोग पूरा का पूरा लिखें फिर काउंट करें, दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूं। देखो, हमको याद रखना है कि 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है। ये याद रखना है, इसी के बेसिस में जो भी क्वेश्चन आएगा वो बनाएंगे। तो 1 से 25 तक 9 अभाज्य संख्या, 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्या, 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती है। 9, 15, 25 ऐसा याद रखना है, 9, 15, 25 एक से बोले या जीरो से बोले वही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 9, 15, 25 ठीक है, ये याद रहेगा, 1 से 25 तक, 1 से 50 तक, 1 से 100 तक। अभी देखते हैं प्रश्न में क्या बोल रहा है। प्रश्न में बोल रहा है 50 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 50 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो दिख रहा है 1 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 25 अभाज्य संख्याएं हैं, और 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, 15 अभाज्य संख्या है। तो दोनों को घटा लेंगे तो जो बच जाएगा वही 50 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो ये आ जाएगा 10 अभाज्य संख्याएं 50 से 100 के बीच में। इसको ऐसे बनाना है, इजी है, बहुत ही इजी है, ये याद रखना है आपको, फिर कोई भी प्रश्न बना सकते हो। दूसरा देखो, 25 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 25 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 25 ठीक है, 25 से 100 तो 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 9, तो 9 घटा लेंगे उसमें से, 9 उसमें से घटा लेंगे, ये आ गया 16। तो 25 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 16 अभाज्य संख्याएं हैं। और प्रश्न बना के देखते हैं, 1 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो 1 से 100 के बीच में तो ऑलरेडी याद करने के लिए बोला हुआ हूं मैं इसको, तो कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 25 अभाज्य संख्याएं, 25। और देखते हैं,
जीरो से पचास के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? जीरो से पचास के बीच, जीरो से पचास, एक से पचास बोले या जीरो से पचास, यही होगा कितना आंसर 15। तो जीरो से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 15। और देखते हैं, यहां पे दिया हुआ है 25 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 25 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 25 से 50 के बीच में, तो 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है यहां पे 15, 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है 15, 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं 9, तो उसको हम लोग क्या कर लेंगे, घटा लेंगे, उसको क्या कर लेंगे, घटा लेंगे, तो 15 में 9 गया, ये आ गया 6, कितना आ गया 6, तो 25 से 50 के बीच 6 अभाज्य संख्याएं होंगी, 25 से 50 के बीच 6 अभाज्य संख्याएं होंगी, ठीक है। अगला प्रश्न और क्या दिया हुआ है, 1 से 25 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 1 से 25 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो 9 तो निकला हुआ है ऑलरेडी, 1 से 25 के बीच 9 अभाज्य संख्याएं हैं। और देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, महत्तम और लघुत्तम अभाज्य संख्याएं, ध्यान से सुनना है, महत्तम और लघुत्तम अभाज्य संख्याएं जो 100 से कम है का अंतर क्या होगा, जो 100 से कम है का अंतर क्या होगा, व्हाट विल बी द डिफरेंस ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बिफोर 100, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बिफोर 100। हिंदी वाले स्टूडेंट क्या कर, महत्तम और लघुत्तम वर्ड देखेंगे तो ऐसा क्या, उनको क्या लगेगा एलसीएम एचसीएफ निकालना है, लेकिन ऐसा नहीं, महत्तम मतलब बड़ा की बात कर रहा है, लघुत्तम मतलब छोटा की बात कर रहा है वो, ठीक है। तो 100 के पहले, 100 के पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2 है, ये तो सबको पता है, 100 के पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है, वो तो है ही है छोटी अभाज्य संख्या। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या तो 100 तो भाज्य है, 98 ये भी भाज्य है, 97 ये किसी से भाग नहीं जाता, ये किसी से भाग नहीं जाता, ये हो जाएगा 97 सबसे बड़ी अभाज्य संख्या और 2 सबसे छोटी, इन दोनों का डिफरेंस क्वेश्चन में पूछा हुआ है, यहां से आ जाएगा 95। एकदम इजी इजी क्वेश्चन आता है इस सेगमेंट से, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता रहेगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहीं से हम नंबर सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं, इसके बाद धीरे धीरे आगे लेवल तक चलते चले जाएंगे, आपको बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न यहाँ पे मिलने वाले हैं मेरे साथ साथ, ठीक है। तो आप मेरे साथ बने रहिए, अगले पार्ट में मैं बताऊंगा कि जो संख्याओं का योग है, 50 तक की विषम संख्याओं का योग, 25 तक की सम संख्याओं का योग, उसको अपन कैसे निकालेंगे, छोटे छोटे ट्रिक से निकालने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। तो इसको देखिए, शेयर कीजिए, सभी तक पहुंचाइए, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।